हेलो स्टूडेंट, साइको एक्टिव ड्रग्स आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो साइको एक्टिव ड्रग्स, सबसे पहले तो आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की एक टर्म है। तो लेट्स स्टार्ट। साइको एक्टिव ड्रग्स आर दी सब्सटेंसेस दैट एक्ट ऑन दी CNS, अल्टरिंग ब्रेन फंक्शनिंग एंड रिजल्टिंग इन चेंजेस इन परसेप्शन, मूड, कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा। और मतलब कि एक हमारा जो साइको एक्टिव ड्रग्स है वो क्या है, वो एक्ट करता है, मतलब किसमें वो एक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा पास है CNS, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को अल्टर करेगा और फर्दर फंक्शनिंग एंड रिजल्टिंग हमारे को देखे, जैसे हमारे बिहेवियर या मूड में चेंजेस होते हैं, ठीक है। दिस ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू इफेक्ट द ब्रेन केमिकल सिग्नलिंग एंड कैन प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट्स इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, यूफोरिया, अल्टर्ड थिंकिंग एंड परसेप्शन, इंक्रीज एनर्जी एंड इवन हेलुसिनेशंस, राइट। तो साइको एक्टिव ड्रग्स आपको पता है कि विच आर यूज फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उनको क्या बोलेंगे हम, साइको एक्टिव ड्रग्स कहेंगे। एंड केमोथेरेपी ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज नोन एज केमोथेरेपी ऑफ माइंड, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास केमोथेरेपी ऑफ माइंड क्या चीज़ है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर का तो उस टर्म को बोलते हैं केमोथेरेपी ऑफ माइंड, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एस्पेक्ट है वो होता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स को समझने के लिए, तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड कैफीन हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास किसमें होते हैं, चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा, ठीक है, जिसमें एक स्टिमुलेंट की तरह हमारे पास ये वर्क करता है, हमारे जो ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखा होगा आपने कि कभी आपका मतलब थकान हो रही बॉडी में, आप चाय पीते हो फिर आप रिलैक्स फील करते हो, किसकी वजह से होता है, कैफीन जो हमारे चाय में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है। कैफीन हो गया, अल्कोहल, निकोटीन एक्सेट्रा, ठीक है, जितने में हमारे पास ड्रग्स है। सम साइको एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज कैफीन एंड निकोटीन आर लीगल एंड वाइडली यूज्ड, व्हाइल अदर सच एज LSD, हीरोइन आर इलीगल ड्यू टू देयर पोटेंशियल फॉर एब्यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। तो जैसे हम कैफीन की बात की हमने, ठीक है, कैफीन हो गई, निकोटीन हमारे जो तंबाकू वगैरह में भी होती प्रेजेंट, तो ये हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल इसको बोला गया है। डेली लाइफ में आपने देखा होगा आप चाय पीते हो, मतलब क्या, कैफीन को ले रहे हो, कैफीन भी क्या है, एक ड्रग ही है ना, तो आप इसको इनहेल कर रहे हो, आप इसको अंदर बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो अपनी, ठीक है। वैसे निकोटीन भी होता है, इसको क्या बोला गया है, लीगल कहा गया है। पर जैसे हमारे पास LSD हो गया, हीरोइन, इनको क्या बोलते हैं, ड्रग, इलीगल क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि अगर आप हीरोइन जैसे नशा होता है एक प्रकार का, अगर आप उसको बार बार लेते रहेंगे तो होता है क्या है कि इससे हमारे पास एडिक्शन हो जाती है, ड्रग एडिक्शन, ठीक है। जो अगर आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप हीरोइन, अगर कोई ड्रग का यूज़ कर रहा है उसको हीरोइन ना मिले सही वक्त पर, तो उस इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या, इलीगल बोला गया है। और इसीलिए अगर आपके पास हीरोइन मिलती है या आपकी सोसाइटी में कहीं आपको हीरोइन का कहीं प्रोडक्शन मालूम होता है तो वो एक इलीगल प्रोसेस है, ठीक है। सो ये था एक जनरल सा आइडिया हमारा जो साइको एक्टिव ड्रग से रिलेटेड। एंड जो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास वो है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इंट्रैक्शन, मतलब कि न्यूरॉन की कैसे हमारे पास इंट्रैक्शन हो रही है रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ऑन एक्साइटेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज एसिटाइलकोलाइन रिलीज्ड एट द नर्व एंडिंग एंड टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस एट साइनेप्सिस एंड मायोन्यूरल जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय नर्व्स टू इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट सेल्स विद द शॉर्ट लिव्ड। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमारे पास रिलीज होते हैं नर्व्स के थ्रू और इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट और सेल्स हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ, ठीक है। या इसको हम अगर हमारे पास ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूछा गया है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इंट्रैक्शन के बारे में, तो इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरेटर केमिकल मैसेंजर जिन्हें हम कहते हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो किसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, एक न्यूरॉन के साथ। आपको पता है कि
हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स की वजह से आपको किसी ने पिंच कर दिया, आपके किसी में पेन आप चला रहे हो, आप हाथ से लिख रहे हो, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है उसको क्या कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड है, उसी से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना बॉडी को। तो जैसे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिट रिलीज हो गए वन न्यूरॉन्स में, और वो बाइंड करेंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो रिसेप्टर वो किसके पास होगा, जो अनदर सरफेस होगा हमारे पास न्यूरोन का, और उसको अलाउ करेगा ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्सिस, ठीक है। दिस इंट्रैक्शन आर क्रूशियल फॉर ट्रांसमिशन इन टू ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस ब्रेन फंक्शन सच एज कॉग्निशन, इमोशन, मूवमेंट एंड अरोसल। द स्पेसिफिक एन टी आर आई का मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिसेप्टर इंट्रैक्शन दैट अकर डिटरमाइन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर हो गए, मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे पास जो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कपल कर जाते हैं हमारे पास किसके साथ, इन टू आयन चैनल्स एंड लेड टू फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड हमारे पास जो सेकंड कौन सा था, मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर, तो ये क्या करते हैं कि एक्ट करते हैं एज अ इंट्रासेलुलर सिग्नल्स कैस्केड्स एंड प्रोड्यूस स्लोअर एंड लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स। तो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर कैन बी मॉड्यूलेटेड एज अ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ नेट अवेलेबल डेंसिटी हो गई हमारे पास, एक्टिविटी हो गई किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, या रिसेप्टर की, एंड प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिसेप्टर एक्टिविटी, राइट। एंड ड्रग मेडिकेशन की जो एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करे उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये इसके रिसेप्टर है, इसके न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और ये कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला डोपामीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, डोपामीन हमारे पास रिसेप्टर GPCRS के साथ टैग करेगा, मतलब कि बाइंड कर जाएगा, और ये कैसा फंक्शन करेगा, स्लो चेंजेस इन एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसके बाद होता है ACH हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है एक, जो हमारे पास अगेन GPCR के साथ अटैक करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, और इसमें भी क्या होगा, स्लो चेंजेस शो होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ACH का मतलब है एब्रीवेशंस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास अमीनो एसिड में से गाबा, ठीक है, गाबा हो गया, ग्लाइसिन, ये हमारे पास अमीनो एसिड है, इनमें हमारे साथ जो रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्शन करेंगे आयन चैनल्स बनाएंगे, और इसमें क्या होगी हमारे पास रैपिड इनहिबिशन होगी। इन दो प्रोसेस में हमारे पास स्लो इनहिबिशन हो रही थी, इसमें हमारे पास रैपिड इनहिबिशन होगी, ठीक है। फिर ग्लूटामेट आयन चैनल के साथ ये फर्दर हमारे पास इंट्रैक्ट करेंगे, और रैपिड एक्साइटेशन का प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाबा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, गामा इम्यूनोब्यूटारिक एसिड, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है हमारे पास, एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास नर्व होती है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते टारगेट सेल के साथ, क्यों, क्योंकि इसमें सेपरेशन होता है बिटवीन द दिस, ये जो सेपरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइनेप्टिक गैप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं सिंथेसाइज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय अ न्यूरॉन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। एंड जैसे आपके पास डोपामीन है, एक सेकेंड, राइट। तो डोपामीन क्या करता है, हमारे पास इमीडिएट प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम इन द ब्रेन का फंक्शन ये वर्क करता है ना, जैसे सेरोटीन हो गया, सेरोटोनिन, ये कहता है हमारे पास इमीडिएट मूड मोटिवेशन है सम रोल इन मेमोरी एंड पेन पाथवेज। फिर आता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, जो कंट्रोल करता है हमारे पास मसल टोन को, मूवमेंट एंड मेमोरी को। नेक्स्ट इज ग्लूटामेट, मोस्ट एबंडेंट एक्साइटरी न्यूट्रॉन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर इन दी ब्रेन, ठीक है। तो आपने अगर टाइप की बात करनी हो तो जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं कैपेबल होते हैं बाइंडिंग विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द ब्रेन सरफेस, ब्रेन न्यूरोन का जो सरफेस होता है उसके ऊपर। एंड इसके हमारे पास सेवरल टाइप्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स,
इस वे में भी ये रोल कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग, तो ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक एग्जाम्पल के लिए लिया हमने, ये हमने रिसेप्टर बना दिया। ठीक है, तो इसके बीच क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है न्यूरोन और रिसेप्टर के बीच में। ठीक है, और हमारे पास क्या बन रहा है, लास्ट में एंड प्रोडक्ट ये, राइट। तो न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरोन विच बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इन दी अर्ली ईयर, कौन सी सेंचुरी में, 20th century, एंड द न्यूरल बेसिक ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर मिशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ACH, जिसको हम कहते हैं, एंड एड्रिनालिन वर रियलाइज्ड, द ओल्डेस्ट नोन न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि हमारे पास क्या है, ACH एंड एड्रिनालाइन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ इसके टाइप। अगर हम एग्जांपल की बात करें न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर इंटरेक्शंस की, अगर हमने एग्जांपल शो करना हो, तो आप इसको यहाँ पे डायग्राम को बना सकते हो, जो हमने यहाँ पे शो